एवरीबॉडी, तो आज हम एक जियोलॉजिकल टूर पे जा रहे हैं जो बेसिकली एक स्टडी टूर है हमारे फोर्थ सेम में। तो हमारे साथ जियोलॉजी डिपार्टमेंट है और इस वक्त हम अमर सिंह कॉलेज में वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों का, और अभी हम दो तीन मिनट के बाद यहाँ से जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो आज हम कुछ नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ज़ेवन का जो जिसमें वो क्या नाम है कैम्पियन और कैम्पियन रॉक्स भी अवेलेबल हैं, तो इंशाल्लाह आज हम वहाँ जाएंगे और खूब सारा यू नो चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। हाय गाइस, फाइनली हमें ये मुसीबत हमारे रास्ते में झेलनी है, और ये कंपास तो बहरहाल इतना बारीक नहीं है, लेकिन ये हमर रास्ते में हमें यू नो लेने की देने पड़ जाएंगे। इससे मेरे साथ बाबर भी है। बाबर कुछ बताएं आप कैसे? आज हम वही कुछ स्टडी करेंगे ज़ेवन के एरिया में, जहाँ पे हम फॉसिल्स के कुछ आज देखने को मिलेंगे। दोस्तों फाइनली हम ज़ेवन पहुंच चुके हैं, जो 12 किलोमीटर है श्रीनगर सिटी से। तो ये जगह चूँकि फॉसिल के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है, यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जियोलॉजिस्ट आते रहते हैं। तो हमारे जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ने मुनासिब समझा कि हम भी इस जगह का यू नो विज़िट करें, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएँ। तो हाल ही में यहाँ पर 250 मिलियन पुरानी जो हैं फॉसिल देखे गए, जो परमियन से लेकर ट्रायसिक पीरियड के बताए जाते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम जो देखेंगे तो बहुत से फॉसिल्स और मिल जाते हैं। तो मज़े की बात यह है कि 1975 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जो 120 पेज पे मुश्तमिल था। तो कोयोटो यूनिवर्सिटी जो जापान में है, उस एक टीम आई थी वहाँ से, जिसके टीम मेंबर जो हैं हरी मोहन कपूर, जी बंधु, जी नकाजवा एंड बहुत सारे GSI की इस तरह के साथ और लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ। उन्होंने यहाँ पर बहुत यू नो जो चीज़ें हैं वो रिसर्च की, और बहुत दिनों के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर यू नो एक पेपर सब पब्लिश किया अपनी यूनिवर्सिटी जापान से। तो उसको पढ़ने के बाद भी एक यू नो एक बहुत आसानी हो जाती है कि ज़ेवन को अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले 1864 में गॉर्डन ऑस्टर जो विज़िट के लिए आया था, एक जियोलॉजिस्ट था, और ज़ेवन को विज़िट के लिए आया था, और कश्मीर को विज़िट उसने किया। तो उन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया था ज़ेवन बेड्स। तो ज़ेवन बेड्स की इब्तदा 1864 में हुई है गॉर्डन ऑस्टर के ज़रिए से। तो उसके बाद भी बहुत सारे रिसर्च यहाँ पर हुई हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमें लिटरेचर में मिलता है वही मिलता है। हेलो, गुड आफ्टरनून। इस वक्त हम ज़ेवन के यू नो एरिया में मौजूद हैं, जैसे आप जानते हैं कि हम ऊपर भी जा रहे हैं, जैसे उसकी तरफ आप कैमरा करें। तो बहुत यू नो हमने क्या नाम है एक फील्ड स्टडी की, काफ़ी थकावट हुई, लेकिन इंसान सीखता भी है, क्योंकि जो एजुकेशन है ये सिर्फ किताबों में नहीं होती है बल्कि बाहर फील्ड्स में भी मिलती है। Formations within the Triassic, lower Triassic, lower, middle and upper. Onmu, Kriyu and Weyr. तो मैं तीनों में डिफरेंट ये तीनों में तीन स्पीशीज है। ये ऑटो सिरास इसमें लोअर में मिलता है, कोफियो सिरास मिडल में मिलता है, मीको सिरास मिलता है अपर में। ऑन दैट बेसिस दे हैव डिवाइडेड दिस ट्रायसिक इनटू द थ्री फॉर्मेशंस। अगर आप इस आउटक्रॉप को गौर से देखोगे ना, मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, बचपन में हमने पढ़ा था ये जो लाइमस्टोन होता है जब उसकी वेदरिंग होती है केमिकल वेदरिंग, तो एल्फर्ट सिग्नल बनता है। देखिए आप इसमें एल्फर्ट सिग्नल बनता है, देखो ये लाइन देख रहे हैं आप स्क्रैच सर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो इसको बोलते हैं एल्फर्ट सिग्नल वेदरिंग। ये हम इसे हम लाइमस्टोन को ऐसे जट से पहचानते हैं कि ये लाइमस्टोन रॉक है।
ये सिर्फ लाइमस्टोन रॉक में बनता है केमिकल लाइनिंग की वजह से, जो लाइंस बन रहे ना एलिफेंट स्किन, यानी कि स्किन जैसे एलिफेंट का मिलता है उसमें भी वो स्क्रैच होते हैं ना फोल्स। हमारे साथ हमारे सीनियर इस वक्त हैं, तो हम ये आपने तासुरात रखेंगे कि आप इनको कैसा महसूस हुआ आज, क्या कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। इस जगह का नाम ज़ेवन ज़ेवन है, ज़ेवन पे हम आए हैं एज ए जियोलॉजिकल टूर। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे आके। तो क्या ये जो एजुकेशन होती है ये सिर्फ किताबों में होती है या बाहर भी होती है? नहीं नहीं, एजुकेशन जो है खासकर जियोलॉजी जो है इसमें फील्ड में आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फील्ड के बगैर वो बोलते हैं साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट्स इज बेसलेस। तो बेस जो है इसकी वो मेन है, फील्ड में आना, फील्ड में देखना, और फील्ड के बगैर जियोलॉजी इम्पॉसिबल है पढ़ना समझना। फील्ड के बगैर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेसलेस होगी पढ़ना। इम्तियाज़ भाई आपको कैसा लग रहा है आज? आई एम फीलिंग गुड। जो मैंने किताबों में पढ़ा था तो मैंने सोचा था इजी होगा, लेकिन इजी नहीं है उतना। तो हमारे साथ बहुत साथ इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखा हमने आज। तो क्या जो हमारे मतलब जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो क्या कहेंगे आपको, मतलब ये जो एजुकेशन है ये हमें सिर्फ किताबों के अंदर ही देखनी चाहिए या बाहर भी हमें ये एक्सप्लोर करना चाहिए? बिल्कुल, ये किताबों तक हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें फील्ड में, फील्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस स्पेशली इन जियोलॉजी। तो फील्ड विदाउट फील्ड इट्स बेसलेस। वी हैव टू, जो कश्मीर में खासकर जो साइंस है 90% थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है और 10%, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, 90% प्रैक्टिकल होना चाहिए और 10% थ्योरेटिकल होना चाहिए। चलो आपका शुक्रिया बहुत। थैंक्स साकी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसने हमारे लिए लंच लाया था और चिकन भी लाया था और उसके साथ रोटी भी लाई थी, बहुत मज़ा आया उसका। थे बहुत थैंकफुल, यू नो हम तो बहुत थैंकफुल है। फाइनली हम बैक गाड़ी के पास पहुँच रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू द जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ अमर सिंह कॉलेज। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू GSI एक्सपर्ट्स, डॉक्टर यून साहब, डॉक्टर यूसुफ खांडी साहब, डॉक्टर यासिन साहब, हु आर स्पेशली इन्वाइटेड बाई द डिपार्टमेंट।